कोली रोड सेक्टर 14 गुरुग्राम में होना तय हुआ है। गुरुग्राम शहर में गुरुजी बलहारे के सहारे। सभी सदस्यों से मेरी गुजारिश है, एक बार जल्दी करके आप स्टेज पर आइएगा। जय खाटू श्याम जी के। खाटू श्याम जी महाराज के आज जागे में आए हुए हैं, तो आपको कैसा अनुभूति महसूस? अनुभूति तो हमेशा मैं हमारे जो श्री श्याम वेंकटा परिवार ट्रस्ट है गुड़गांव में, ये हर साल साथी बुलाते हैं हमारे परिवार, पूरा भाई हमारे गोपाल जी, तमाम इनकी पूरी टीम और हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और इससे पता चलता है कि क्या इन लोगों का कर्म धर्म में विश्वास है, वही देश की तरक्की में भी बहुत बड़ा भूमिका और योगदान है। तो ऐसे साथियों के साथ मिल करके हम इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वैसे तो ये धार्मिक प्रोग्राम है और हमने भी अपनी शुभकामनाएं दी, क्योंकि पिछला एक साल कोरोना काल में बीता, आर्थिक मंदी में बीता, व्यापारी व्यापार और आम जनता बड़ी दुखी रही। अब ये आने वाला वर्ष हर तरीके से सुख समृद्धि, भाईचारा और खुशहाली लेकर के आए, यही हम लगातार से प्रार्थना करते हैं। और श्री श्याम जी महाराज जी, खाटू श्याम जी को तो कहा ही जाता है कि हारे का सहारा, तो पूरा देश और दुनिया हार गई थी और दोबारा आज ऐसे लग रहा है कि सब जीत में जश्न में, तो जीत के जश्न में एक बार फिर मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा जी कृपे आए, बाबा के आशीर्वाद से हमारे साथ बढ़ते हैं, बाबा जी तक करवाए तो करें। तो आपने कोरोना के लिए क्या प्रार्थना किया? कोरोना हमारे यहाँ गुरुग्राम हमारे देश से बिल्कुल यहाँ से चला जाए। कोरोना के लिए बाबा जी, हम सभी पीछे भी तीन चार दफा है बाबा के चरणों में, हमें सब पूरा संसार जो है शांति रहे, शांत रहे और स्वस्थ रहे, यही बाबा जी दुआ करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप देशवासी को, अपने गुरुग्राम वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो कोरोना काल है इसमें थोड़ा संभलते रहिए, अपने बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।